नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते टेक में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि Honor View 10 में आप कैसे फेस लॉक इनेबल कर सकते हैं। Honor View 10 में ये फीचर्स पहले से ही था, बट एक अपडेट के द्वारा ये फाइनली इनेबल हुआ है और इस अपडेट के साथ काफी सारे नए फीचर्स आए हैं। शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि आपको अपना Honor View 10 जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप सेटिंग्स पे जाइए, सिस्टम पे जाइए, सिस्टम अपडेट पे जाइए और ये लेटेस्ट वर्जन में आपको अपडेट करना पड़ेगा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसको मैंने सुबह ही अपडेट किया था तो मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। तो ये है इसका अपडेट वर्जन जो कि साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस अनलॉक इनेबल करने की बात कर रहा है। इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बट आपकी जानकारी के लिए ये सारे अपडेट इंक्लूडिंग गूगल का सिक्योरिटी पैच भी इसमें है। अपग्रेड करने से पहले आप अपना डेटा बैकअप स्पेशली मैसेज और ईमेल कर लीजिएगा। हालांकि कुछ होगा नहीं क्योंकि ये अपग्रेड है, फ्रेश इंस्टॉलेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप फेस लॉक इनेबल कर सकते हैं। फेस लॉक इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाइए और यह फेस अनलॉक है। आप जैसे ही इस पे जाएंगे ये आपसे फोन का पिन पूछेगा इसके अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपना फेस एनरोल करना पड़ेगा फ्रंट कैमरा यूज करके। इसमें एक और फीचर है जो मैं आपको दिखा दूं, इनेबल पिकअप टू वेक डिवाइस टू एनहांस द फेस अनलॉक एक्सपीरियंस। यूजुअली हमारा फोन लॉक स्टेट में रहता है लेकिन आप जैसे ही इसे पिकअप करेंगे और अपनी फेस की तरफ देखेंगे ये ऑटोमेटिक फेस अनलॉकिंग को इनेबल कर देगा। कंटिन्यू करते हैं, अलाउ करिए और यहाँ पे ये कह रहा है कि कीप योर फेस विद इन आइडेंटिफिकेशन एरिया। तब मैं वो कोशिश करता हूँ करने की और देख सकते हैं फेस सक्सेसफुली एनरोल हो गया है। ये करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है डायरेक्ट अनलॉक का, एक है स्लाइड टू अनलॉक का। डायरेक्ट अनलॉक, जैसे ही आप अपने फोन को अपनी फेस की तरफ पॉइंट आउट करेंगे ये फोन अनलॉक कर देगा। सेकेंड ऑप्शन है स्लाइड टू अनलॉक। स्लाइड टू अनलॉक मुझे ज़्यादा यूजफुल लग रहा है बिकॉज जैसे ही आप अपनी फ़ोन की तरफ देखेंगे ये नोटिफिकेशंस जो लॉक स्क्रीन पे रहते हैं उन्हें एक्सपैंड करके उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। कई बार होता है कि आपको सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करना है कि किससे मैसेज आया या कौन सा ईमेल, एक प्रीव्यू देखना है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप डायरेक्ट अनलॉक यूज़ करेंगे तो वो नोटिफिकेशंस आपको नहीं दिखेंगे और आप सीधा फ़ोन के मेन स्क्रीन में चले जाएंगे। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट अनलॉक। अब मैं फोन को लॉक कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि बहुत क्विकली अनलॉक हो गया। अब जो आपने फेस अनलॉक को सेटिंग किया था डायरेक्ट अनलॉक में तो उसमें आपने देखा था कि इसमें गेस्चर सपोर्ट है कि जैसे ही आप अपने फोन को अपनी फेस की तरफ देखेंगे तो ये वेकअप हो जाएगा और अनलॉक कर देगा। हम वही चीज सिमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा था कि मैंने फोन के लॉक बटन को प्रेस नहीं किया था और सिंपली अपने फेस की तरफ किया था। मैं फिर से करके दिखाता हूं और ये अनलॉक हो गया। अब हम दूसरी सेटिंग ट्राई करते हैं, स्लाइड टू अनलॉक। कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये फोन आपका रेस्ट मोड में है और आपने इसे उठाया, अपनी तरफ फेस किया और आपका डिवाइस अनलॉक हो गया। इन केस अगर इसको फेस नहीं मिलता है तो क्या होता है? ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है बट कुछ भी नहीं हो रहा है। सब मैं अगर इसे टच करता हूं तो यहाँ देख सकते हैं नो फेस डिटेक्टेड, टच टू ट्राई अगेन। अब मैं इसे अगर टैप करूंगा और अपनी तरफ पॉइंट आउट करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब देख सकते हैं फोन अनलॉक हो गया। ट्राई करेंगे कंटिन्यूस देखने के लिए क्या स्पीड है। तो फेस अनलॉक में जाते हैं, पासवर्ड देते हैं और मैं इसे चेंज करता हूँ डायरेक्ट अनलॉक में और मैं इसे लॉक करूंगा और अपनी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं काफी फास्ट है, लॉक है फोन। अब मैं लॉक बटन दबा रहा हूं और ये अनलॉक हो जा रहा है इंस्टेंटली। काफी फास्ट है, रिकॉग्नाइजिंग फेस का गेस्चर सामने आता ही नहीं है। मैं इसे लॉक कर रहा हूं, अब मैं दूसरी तरफ करके अगर इसे करूं तो फेस रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन ऑलरेडी अनलॉक्ड है, फ़ोन लॉक्ड हो जाता है जब भी मैं लॉक बटन को दबाता हूं। अब जैसे ही अपनी तरफ पॉइंट आउट करता हूं तो ये तुरंत अनलॉक हो जाता है।
फेस अनलॉक में एक और फीचर है जिसे कहते हैं क्लोज आई फेस अनलॉक प्रिवेंशन। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मेरी आँख बंद है और मैं फेस अनलॉक ट्राई करता हूँ तो काम करता है कि नहीं करता है, तो एक पैरेलल वीडियो आपको दिखेगा तो मैं उसे टाइम करूँगा। एक्चुअली मैं नहीं पता है कि क्या हो रहा है, बट मैं जब आँख खोलूँगा तो एक आइडिया लग जाएगा। तो फ़ोन होपफुली अनलॉक नहीं हुआ होगा, मैं फ़ोन को दूसरी तरफ कर रहा हूँ। तो आपने देखा फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ, अब जैसे ही मैं करता हूँ तो ये अनलॉक हो जाता है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ एक फोटोग्राफ के साथ, आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोटोग्राफ है। अब मैं इससे ट्राई करूँगा ये देखने के लिए कि फोटोग्राफ से अनलॉक होता है कि नहीं। तो फ़ोन आपकी तरफ है एंड ये फोटोग्राफ मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज ले आता हूं अब इसको, हालांकि ये परफेक्ट टेस्ट नहीं है, बट एक आइडिया लगता है कि आपका फोटोग्राफ को यूज करके फेस अनलॉक कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है साफ साफ फेस नॉट रिकग्नाइज, टेस्ट टू ट्राई अगेन। सो दोस्तों ये था Honor View 10 का फेस अनलॉक फीचर, जो कि 7X में भी आने वाला है, Honor 9 Lite में भी आने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, डेमो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें बताएं कि फेस अनलॉक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए।